बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की साहे। बंधु, इसमें निसंदेह कोई शंका नहीं कि हम सब बंधे हैं। इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंधे हैं। इसलिए इस बंधन से क्या हुआ वो सोचें। गोस्वामी जी ने कहा है, पराधीन सुख सपन है नाही। इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म प्रचलित धर्म है, सब धर्म मोक्ष की बात कर रहे हैं। कुछ वजन है, वो जेल कैसा, जिस जेल से कैदी निकल के भग जाए। वो बंधन कैसा, जिसे आदमी खुद छुड़ा सके। बहुबंधन ते बांधिया, एक बंधन नहीं, बहुत सारे बंधन से एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ा भी पी। हम बंधनों को समझ रहे हैं। बड़ी यूनिक वाणी साहब ने बोली है, एक दो ही होए ताएं समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर सब जग अंधा। ये कैसे, बिन रसरी सकल जग बंधिया, सब बंधे हैं पर बंधन नजर नहीं आ रहा है। इस बंधन के विषय में दुनिया के सभी धर्मों ने इशारा किया। और अगर आप थोड़ा गंभीरता से देखें तो वेद से भी परे बात की है साहब ने, इस पर थोड़ा गौर किया जाए। वेद हमारा वेद है, हम वेदों के माँ हैं। जोन भेद में मैं रहूं, वेद भी जानत ना है। अर्थात बहुत बारीक आइडियोलॉजी साहब ने बोली है। चार मुक्तियों का उल्लेख हमारे धर्म शास्त्रों में भी है। साहब ने किसी को नकारा नहीं है, हर बात साफ साफ बोला। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, चारों मुक्तियों का उल्लेख है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी है। लेकिन उन चारों मुक्तियों के बाद पुनर्जन्म विद्यते, फिर जन्म होगा। कुछ लोग जेल से पैरोल में बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद भी वो जेल में है, उन्हें थाने में हाजिरी बजानी पड़ती है और निश्चित समय के बाद जेल में जाकर खुद रिपोर्ट करनी होती है। देखा, बाहर होते हुए भी बंधन में। बिन रसरी सकल जग बंधिया, गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं बंधन को समझना है। ये सिद्धांत रूप से दुनिया के सभी धर्मों ने स्वीकार किया। प्रमाण, ऐसा कोई दुनिया में धर्म नहीं है, मत नहीं है, मार्ग नहीं है जिसमें आत्मा का उल्लेख नहीं है। और आत्मा की व्याख्या
दुनिया के जितने धर्म हैं उनमें परस्पर मिलती हुई की है। इतिहास को पढ़ने वाला बुद्धिमान होता है, इस तरह धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाला उसे विविध धर्मों की गहनता का पता चलता है। अच्छा डॉक्टर वो है जो चिकित्सा विज्ञान को ठीक से जानता हो। डॉक्टरों ने क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा ना, पहले शरीर में रोग क्या क्या होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उन्होंने यही तो स्टडी की है 5 साल। उनका उपचार क्या है, रोग निवृत्ति का साधन क्या है। इसी तरह चारों मुक्तियों की प्राप्ति के साधन है, उसकी व्याख्या धर्मशास्त्रों में बड़ी साफ साफ है। और आत्मा की व्याख्या जो सभी धर्मों में है, परस्पर सब मिलती जुलती है। संक्षेप में उस व्याख्या का सार बताता हूँ। पहली बात तो इस आत्मा की जो व्याख्या की गई है वो अविनाशी है। आप इस पर सोचें थोड़ा, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। इस सिद्धांत को भी दुनिया के सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। इसलिए तो मौत के बाद भी एक जीवन है, ऐसी धारणा सभी धर्मों में है। जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है, दुनिया के जितने भी प्रचलित धर्म हैं उनके मूल ग्रंथों का मेरा अध्ययन भी है, वेदों का अध्ययन है, पुराणों का, मनुस्मृतियों का, कुरान का, ग्रंथ साहिब का, बाइबल का, दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश जिसमें सार है उसका, महात्मा बुद्ध का अष्टांग योग और जैन मत के सिद्धांत। इसलिए मैं पढ़ा कि मेरे पास सब लोग आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैनी आते हैं, सिख आते हैं, विविध धर्म के लोग आते हैं, आकर के अपनी शंकाओं का निराकरण करते हैं। आत्मा की व्याख्या परस्पर सब धर्मों में एक जैसी है। अब सवाल उठा, एक जैसी क्यों है? और सभी धर्मों में स्वर्ग का भी उल्लेख है, सभी धर्मों में नरक का भी उल्लेख है। अगर आप बारीकी से उन धर्मों का अध्ययन करेंगे तो एक सी व्याख्या है, ये एक सी व्याख्या क्यों है, क्या कारण है? और वो व्याख्या किससे मिलती है? दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ये व्याख्या सब एक जैसी क्यों है? कोई सज्जन बता सकता है तो खड़े होकर बताए। इसमें भिन्नता नहीं है। अगर स्वर्ग की व्याख्या हमारे धर्मशास्त्रों में है जैसी, वैसे ही तो बाइबल में भी है, वैसा ही तो कुरान में भी है, दोजख विश्व उन्होंने भी उल्लेख किया है। कोई सज्जन बता सकता है कि एक जैसी व्याख्या क्यों है सभी धर्मों में, आत्मा की और अपना ईश्वर के रूप की भी? देयर आर 4 क्लासिकल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 इज ए क्रिश्चियंस,
उनकी संख्या बहुत है, सेकेंड मुस्लिम, थर्ड बुद्धिस्ट, फोर्थ हिंदू। ये क्लासिकल रिलीजन है। अगर एक वकील का कानून की धाराओं का अध्ययन नहीं है तो वो वकील नहीं होगा, अच्छा वकील नहीं कहला सकता है। क्योंकि जब भी किसी पर अभियोग लगाया जाता है तो धारा लिखते हैं कि इस धारा के अनुसार ये इस पर क्राइम बनता है। हम इस समय एक जटिल युग में जी रहे हैं। मुझ पर भी लोगों ने काफी मुकदमे किए हैं, उनसे निपटता रहता हूं। तो बंधुओं, परस्पर सभी धर्मों में एक जैसी व्याख्या है, नरक की भी व्याख्या एक जैसी है। स्वर्ग की भी व्याख्या एक जैसी है। और आत्मा की व्याख्या भी एक जैसी है। परमात्मा की व्याख्या भी एक जैसी है। चलो इन चार पांच बातों पर चिंतन करते हैं। ऐसा क्या है? सबसे पहले अगर आप देखें, परमात्मा की व्याख्या उन धर्मों में कैसी है? जो भी मैं क्लासिकल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का जिक्र किया, वो सब परमात्मा को निराकार मानते हैं। ठीक है, हमारा वेद भी निराकार थे, वेद आदि वेद जाने नहीं, यहां तक कि साइंटिस्ट भी परमात्मा को निराकार मान रहे हैं। आपने सुना होगा ब्लैक होल के लिए, ब्लैक होल, पहले वैज्ञानिकों से स्टार्ट करता हूं मैं। ब्लैक होल द बेस ऑफ द क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, उस पर हालांकि ब्लैक होल पर 16वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने इशारा किया था, उसको काला तारा कहते थे, पर उस समय उनके पास यंत्र नहीं थे जो उनको स्पष्ट देख सके। इसलिए ब्लैक होल एक ऐसी ताकत है। लेकिन अभी वैज्ञानिक लोग ब्लैक होल पर काफी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ब्लैक होल ही महाप्रलय लाएगा। ब्लैक होल निराकार, निराकार से साकार, अब देखना, उसी शून्य से आकाश तत्व उत्पन्न होता है। सृजन के विषय में भी एक ही मत है, उसी से आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल से ही पृथ्वी है। ये सिद्धांत वेदों का भी है। इस तरह निराकार वो फिर क्या करता है ब्लैक होल? वैज्ञानिक भी खोज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने आसपास के उस निराकार ने पहले अपनी शक्ति बाहर कर दी, यही यजुर्वेद में है। ऋग्वेद परमात्मा को निराकार निरालंब मानता है, यजुर्वेद कहता है नहीं, निराकार मीन्स नथिंग। वो निराकार ने ही अपने आप को
सरगुण में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जज भी कानून का ज्ञाता होता है। जब वकील धाराओं का उल्लेख दे करके अपने मौकल को राहत दिलाना चाहता है तो धारा रखता है कि कानून की इस धारा के कारण इसको ये लाभ दिया जाए। इसी तरह गोष्ठी क्या है, प्राचीन काल में भी गोष्ठियां होती थी। गोष्ठी शब्द, आखिर गोष्ठी क्या है? मैं साधारण प्रश्न पूछता हूं तो भी कोई पहले हाथ खड़ा करना चाहिए, फिर मैं उसको कहूंगा हाँ बताइए ये गोष्ठी क्या है। कभी कभी बुद्धिमान भी बुद्धू जैसा जवाब देते। हाँ, कोई सज्जन बताए गोष्ठी क्या है। गोष्ठी कोई झगड़ा नहीं है, चर्चा करना। हाँ, क्या डिस्कस करना। क्यों डिस्कस करना? गोष्ठियां क्या होती है? गोष्ठी में अपना मत रखता है आदमी, अपना तर्क रखता है, दूसरे के तर्क को सुनता है। गोष्ठी झगड़ा नहीं है। गोष्ठी एक किसी तथ्य का निचोड़ निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो बाद में वो क्या करता है, यही ऋग्वेद भी यही बात बोल रहा। आदि ग्रंथ दुनिया के जो है चार्वेद है, ऋग यजुर् साम अथर्व, पूरी दुनिया उसी के अंदर है। ऋग्वेद परमात्मा के अस्तित्व को निराकार बोलता है, ब्लैक होल। अब देखिए यजुर् क्या बोल रहा है, नहीं निराकार को हम, अच्छा हिंदू धर्म में आप देखिए ना, हम चारों वेदों को तो मान रहे हैं ना, ऋग को भी, यजुर् को भी, साम को भी, अथर्व को भी। चार वेद वेद मिल झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। अब यहां साहब खंडन नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या झगड़ा किया? ऋग्वेद कह रहा है परमात्मा निराकार है, निरालंब है, अडोल है। यजुर् कह रहा है ना, इस पर मैंने कई बार व्याख्या दी है, लिखित भी दिखाया। कह रहे निराकार मीन्स नथिंग, निराकार ने, निराकार को हम नहीं समझ सकते हैं। बोला उसी निराकार ने अपने को सर्वगुण में व्यक्त किया। सर्वगुण क्या है? पांच तत्व, उनमें गुण भी है पांच पांच, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। हमारे धर्म में इसलिए आप किसी भी धर्म का बेवकूफी से खंडन नहीं करो, पहले उसके मूल सिद्धांत तक पहुंचो, किसी भी बात को पहले ठीक से सुनो, उसके बाद उत्तर दो। अधिकतर विद्यार्थी क्यों फेल होते हैं, प्रश्न ही नहीं समझते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लड़की BSc फाइनल में तीन बार रह गई, दो बार तीन बार रह गई, तो मैंने उससे पूछा तुम किस विषय में रह जाती हो? बोला इंग्लिश में। मैं कहा इंग्लिश का पेपर लाओ तुम्हारा, जो बैक पेपर था, मैं भी टीचर हूं, फिलिंग द
ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, लिखा था। बोला मैं उत्तर भी सही लिख कर आती हूँ तभी भी फेल हो जाती हूँ। देखिए एक टेक्निकल बात है, वो क्या कर रही थी, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति, अब क्या करना है वहाँ, पहला वहाँ बात ही यही है फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, वहाँ ही लिखना है ना। उदाहरण के लिए देयर आर डॉट डॉट डेज इन अ वीक, तो 7 लिखना है ना, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, वो 7 तो लिख रही थी ब्लैंक के स्थान पर नहीं लिख रही थी, लास्ट में लिख देती थी 7। घर में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी थे, किसी ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये फेल क्यों हो रही है, और वो अपने में संतुष्ट हैं कि उत्तर तो सही लिख करके आई हूं। उदाहरण के लिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉट 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 ऑफ इंडिया, इसका मतलब है नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट नेहरू वाज इंडिया, वो नेहरू कहाँ लिख रही थी, इंडिया के बाद लिख रही थी। अब उसको ये शंका थी, पता नहीं क्यों फेल कर देते हैं मेरे। मैं बोला कापी जांचने वाले को दोष मत दो, तुम गलत कर रही हो, उसमें सवाल ये है कि रिक्त यानी ब्लैंक स्थान की पूर्ति करो, वहां लिखना है तुम्हें। बोला अच्छा, नेक्स्ट में जब दिया पास हो गई। तो इस तरह, अब मेरी बात को आप ठीक से समझना, भारत विश्व गुरु क्यों है। मैंने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों से पूछा, तर्क नहीं रख पाए, और तर्क क्या है, सोने को परखने का सर्वोच्च संसाधन ही कसौटी है। हालांकि एक सुनार से मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या है, सोना है, या कोपर है, क्या है। उसने हाथ में लेते कहा नकल, ये सोना नहीं है। ठीक है, हाथ में तो हमने भी पकड़ा था, फार्मूला नहीं पता था। उसने हाथ में ही लेकर कहा सोना नहीं है। फिर मैं एक और सुनार को सोना दिया, उसने देखकर बोला ये सोना नहीं है। कसौटी किसी भी तथ्य को कंफर्म करती है। ठीक है, फिर मैंने उसको कहा कसौटी की प्रासंगिकता क्या है, कसौटी क्या है। बोला कसौटी एक वो यंत्र है, सोने की 100% गुणवत्ता बता देती है। मैं कहा सूत्र क्या है। बोला कसौटी सोने और पीतल का भेद देती है पूरा। हम कसौटी का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी सोने में कुछ मिलावट होती है। मैंने कहा आपने इसका कलर देखकर ही कैसे कह दिया कि ये सोना नहीं है। बोला सोना चाहे कितना भी पुराना हो जाए समरूप होगा, सब तरफ से एक ही कलर होगा, इसका कलर एक नहीं है, सोने का पानी ऊपर चढ़ा है, वो जहाँ जहाँ से सोने का पानी हट गया है वहाँ पीतल और बाकी धातु दिख रहा है। ठीक है, मैंने पूछा कसौटी की क्या प्रासंगिकता है, वो कैसे परखती है। कसौटी का मतलब होता है परखने का यंत्र। अब साहब भी कह रहे हैं खरी कसौटी नाम की गुण है। बोला हम उस पत्थर पर सोने को घिसते हैं, यूं कर देते हैं,
कसौटी एक पत्थर है काला, यूं करते हैं। जितना भी लकीर आएगी गोल्डन है, सिर्फ सोने की लकीर गोल्डन आएगी, बाकी धातु होगा उतना स्पेस आ जाएगा, उतना लकीर सफेद रहेगी। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इतना परसेंट इसमें खोट है, देखा कसूटी है। और फाइनल कैसे हमें पता चलता है, यानी हम 90% कसौटी से फर्क कर लेते हैं कि ये कितना इसमें मिलावट है। फाइनल कब होता है उसको फिर हम गोल कर, इसलिए गोष्ठी वाद विवाद नहीं है, गोष्ठी यानी गोष्ठी में झगड़ा नहीं होता है, वो अपना तर्क रखता है, दोनों में से फिर एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, ये है गोष्ठी। सुनिए, खरी कसौटी नाम की। तो बंधुओं, इस तरह गोष्ठियां भी होती है। अब दुनिया के सभी धर्म एक पॉइंट तक पहुंचे परमात्मा के रूप के बारे में, ईश्वर निराकार है। तो अब मेरा ये सवाल है, मैंने अभी आपसे कहा कि भारत विश्व गुरु क्यों है, वो सुने। सब लोगों ने कैसे मान लिया वो सुने। अब मेरा पहला सवाल था, ईसाइयों ने परमात्मा को निराकार क्यों माना, उसका आधार क्या था, उसका आधार क्या था। महात्मा ईसा आज से 2023 साल पहले ही हुए, ठीक है, 2023 साल पहले हुए है, बहुत लंबा टाइम नहीं है। उससे पहले क्रिश्चियंस नहीं थे, मुस्लिम भी परमात्मा को बेचूना खुदा कह रहे हैं, चून बेचून यानी साकार निराकार। मैं किसी धर्म की आलोचना करने नहीं बैठा हूँ, यहाँ बेवकूफ़ी है। संविधान में भी एक इंस्ट्रक्शन है, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन, आप किसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप किसको भी फॉलो कर सकते हैं। मान लो आप राम जी को फॉलो करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप फॉलो करो, लेकिन सावधान कि आप रहीम का विरोध नहीं करना, जिस क्योंकि इससे धार्मिक द्वंद्व शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं, गुड, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिंदू तक का तिरस्कार नहीं करेंगे, ठीक है। अधिकार देने के साथ कर्तव्य भी बताया है, इससे धार्मिक द्वंद्वता शुरू हो जाएगी। कुछ मूर्ख लोग हैं वो इस तथ्य को नहीं समझते हैं, खुले रूप से निंदा करते हैं दूसरे की, वो व्यवहार संगत नहीं है। तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम फॉलो कर सकते हो किसी। अब मैं यहाँ किसी धर्म को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, पर आप बात मेरी समझना। आज से करीब 1500 साल पहले एक भी मुस्लिम नहीं था। हज़रत मोहम्मद जी के बाद ही इस्लाम प्रारंभ हुआ, पहले नहीं था। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, अंतरिक्ष की या ब्रह्मांडीय खोजें सबसे पहले भारत ने किया, प्रमाण। मेरे पास एक पंचांग है, उसमें 100 साल का विवरण है।
ये श्री वैकेंट आश्रम मिस्ट्री प्रेस थाना मुंबई से निकली है, अभी भी मेरे पास है। ये कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, ठीक है। न्यूटन ने कोई ब्रह्मांड नहीं देखा था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा ही सब चीज़ें बोली है। वो कहीं अंतरिक्ष में जाकर नहीं देख के आया कि पृथ्वी 67.5 डिग्री के एंगल पर झुकी है, नथिंग, वो गया ही नहीं। न्यूटन के ज़माने में अंतरिक्ष यान तो छोड़ो, ये यान भी नहीं थे, वायुयान ही नहीं था। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तर्क रखा उसने 67.5 डिग्री के एंगल पर रहने के कारण ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात। आज तक उसको कोई भी नहीं मिटा सका, और धरती कोई अभी तक नहीं बोला है कि 70 डिग्री के एंगल पर है। ये कैलकुलेशन है। उसमें मैंने देखा, आप देखिए भारत की ज्योतिष विज्ञान कितना पीक पर था। वो पंचांग जो मेरे पास है उसमें 100 साल का पूरा तिथि है। जब सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है मैं पंचांग में देखता हूँ, जब वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगह पर सूरज दिखेगा ग्रहण, मैं पंचांग देखता हूँ। उसमें भी लिखा है, डॉक्टर साहब ये वंडर नहीं है, हाँ, और 100 साल का पहले ही डिटेल दे दिया है। ज्योतिष भी टोटली गणित शास्त्र के ऊपर डिपेंड है, और इसलिए कहते हैं द मैथ इज द बैकबोन ऑफ द साइंस, है ना, इज़न्ट? जिसकी मैथ वीक है समझना सब चीज में वीक है। तो इस तरह अब ये सवाल उठा, वो तो आज देख करके ग्रह नक्षत्रों की गति को बोल रहे हैं साइंटिस्ट नासा से या कहीं से भी कि कल सूर्य ग्रहण होगा। जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा या कोई ऐसा ग्रह आ जाता है तो ग्रहण लगता है, उसका सूर्य का पूरा शेड धरती पर नहीं आता है। उन्होंने कैलकुलेशन किससे किया? सैटेलाइट में उनके अपने यंत्र थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के पास तो सैटेलाइट थी नहीं ना, उन्होंने 100 साल पहले कैसे लिख दिया है? तो कसौटी आइए अब विचार करना। मैं किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, किसी का तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं एवरी रिलीजन इज फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ द वेदास। सब धर्म वेद की कई चीजों को फॉलो किए हैं, ठीक है। इसलिए ये देश विश्व का धर्म गुरु है। परमात्मा निराकार है, ये संदेश पूरी दुनिया को पहले वेदास ने दिया है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और वेदास उत्पन्न कहाँ हुए? वेद हम सब कम जानते हैं। वेदों की उत्पत्ति समुद्र में हुई है, समुद्र मंथन से हुई है। कहाँ? क्रिमिया, क्रिमिया में। इसलिए ये यूक्रेन के साथ में है, पहले रसिया में था। इसलिए अभी भी वहाँ के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूस से हमारे संबंध धार्मिक भी है, वैचारिक भी है। अमेरिका से नहीं है वो संबंध, ठीक है। हमें एक बात नहीं भूलना है। अब मैं यहाँ किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं, दुनिया बढ़ रही है अभी। '71 के वार में अगर अमेरिका का 7वां बेड़ा पहुंच जाना था बंगाल की खाड़ी के माध्यम से बांग्लादेश में,
तो वो जल्दी सरेंडर करने वाले नहीं थे, ठीक है। पाकिस्तान तब सरेंडर नहीं करना था जल्दी। रसिया ने उसको सतर्क किया, भारत से हमारी संधि है कि भारत पर हमला होगा तो हम मदद करेंगे, हम पर हमला होगा तो भारत करेगा, इसलिए तुम लौट जाओ अपना ये बेड़ा लेकर, नहीं हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अमेरिका सातवां बेड़ा रिटर्न ले गया था, जिनको पता है हाथ खड़ा करें। मुझे अफसोस है, दो तीन आदमी को सिर्फ पता है। अभी यूक्रेन एक छोटा देश है, अमेरिका से लड़ रहा है, अपना रसिया से लड़ रहा है इतने दिन से, साल भर हो गया। आजकल वो लड़ाई नहीं है पुराने जमाने की, तलवार धड़म धड़म उधर से चलाई नहीं है, आजकल बंदूकों का भी युद्ध नहीं है, आजकल मिसाइल्स का युद्ध है। पर आगे मिसाइल का युद्ध भी नहीं होगा, पहले पाषाण युग में पहले लोग हाथी पर हमला करते थे, डंडों से करते थे सब, इसमें हाथी काफी को कुचल भी देती थी, साधन नहीं थे। फिर पाषाण युग में पत्थरों से, पाषाण युग में पत्थर के हथियार होते थे, पत्थर मारते थे, वो अभी भी है। उसके बाद धातु युग आया, पहले काठी युग था, लकड़ी का युग था, फिर पाषाण युग आया, पत्थरों का युग आया, फिर धातु युग आया, तलवारें ढालें वगैरह बनने लगी, तीर कमान धातु से ही बना। फिर बारूद युग आया, गोली आदि। फिर मिसाइल युग आया। आप कह रहे हैं मिसाइल मिसाइल अभी सही है क्या? मैं एंटी टैंक टुकड़ी का सेकंड कमांडर भी था, टैंक को हिट करना है तो मिसाइल मारते थे हम, मिसाइलें कई प्रकार की। लोग अभी मिसाइल सोचकर सुनकर सोचते होंगे मिसाइल न्यू टेक्नोलॉजी, नहीं ये बहुत पहले थी, कभी कभी हिट नहीं होती थी। टैंक को तोड़ने वाला गोला आज से 50 साल पहले 5 लाख रुपए का था, अभी रॉकेट लॉन्चर जो कंधे पर फायर करते हैं, ये भी रसिया ने दिया था हमें, टैंकें भी रसिया ने दी थी, कई ऐसे वेपन्स थे रसिया से हम काफ़ी खरीदारी करते हैं, क्योंकि रूस से हमारा एक आध्यात्मिक संबंध भी है। क्रिमिया में ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, समुद्र में। जीव को जीवा बोलते हैं, मंत्र को मंत्रा बोलते हैं। मैं पूरी दुनिया घूमा, वहाँ मैं किन को दीक्षा देता हूँ, 95% भारतीय लोग हैं। अंग्रेजी का दुकान है, ठीक है ना, विदेशी नहीं है। लेकिन अकेले यूक्रेन में, कई देशों में नाम दिया है, ऐसी बात नहीं, अंग्रेजों को भी दिया, अकेले यूक्रेन में मैंने 300 क्रिश्चियंस को नाम दिया है। वो समझते हैं, इसलिए रूस हमारा स्वाभाविक और धार्मिक भागीदार है, ठीक है ना। रूस से हमारी सीमा भी मिलती थी, बहुत कम लोग जानते हैं। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, और जो सियाचिन का कुछ हिस्सा हमारे हाथ से निकल गया, वो युद्ध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वो वार पॉइंट था, उससे हम रसिया से लिंक्ड थे, अब नहीं है। तो भारत
इसलिए सभी धर्मों का अगुआ है। और आत्मा की बात भी पहले भारत ने की, महात्मा बुद्ध को तो 526 ईस्वी पूर्व हुआ, पहले बुद्धिज्म नहीं था। आत्मा का फॉर्मेट जो लिया गया वो भी यहीं से लिया गया, ये तर्क से नहीं गोष्ठियों से ही इनका हल हो जाता है, मास्टर जी समझे ना। इस तरह से दुनिया को सबसे पहले परमात्मा के निराकार रूप का वर्णन देने वाला, संदेश देने वाला भारत है, इसलिए बाकी सब फॉलो किया है, बाकी सब फॉलो किया है। डॉक्टर साहब मेरा ये शब्द कितना जटिल लगेगा, सच तो यही है, बाकी फॉलो किया है। स्वर्ग की बात भी पूरी दुनिया को पहले भारत ने दी है, नरक का उल्लेख भी सबसे पहले भारत ने दिया, लेकिन ऐसा हुआ, लोग कहते हैं खगोल की में पृथ्वी की गतियों और आकर्षण का ज्ञान को अपना न्यूटन ने दिया, नहीं, कोपर निकलस था पहला वैज्ञानिक, उसको तो फांसी चढ़ा दी थी, पर नाम रोशन किसका है, न्यूटन का, कोपर निकलस को दवाई दिया गया। मैंने कोपर निकलस का भी किस्सा बताया था, ग्रेजुएट वैज्ञानिक था पहला, उसने कहा धरती घूम रही है, धर्मांध पाखंडियों ने राजा से शिकायत की कि ये धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, भड़का रहा है दुनिया को। राजाओं का जमाना था उस समय, धरती अपनी जगह, सूरज घूम रहा है, ये उल्टा बोल रहा है, इसको मौत की सजा दो। प्राचीन काल में राजाओं पर नियंत्रण धर्मवेताओं का होता था, अब उल्टा हो गया, अब धर्मवेताओं पर नियंत्रण राजनेताओं का हो गया। पर सास को तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आए। तो राजा जानता था कोपर निकलस बुद्धिजीवी है, अब उस पर धर्मावलंबियों ने प्रेशर डाला राजा पर, क्योंकि उनका पूरा मसौदा ही गड़बड़ हो रहा था, पूरी मैथ और थ्योरी बदल रही थी। उसने कोपर निकलस को समझाया कि अभी ये अड़े हैं, तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी मुझे, तुम कह दो कि नहीं घूम रही है धरती, क्या है। बोला नहीं। कोपर निकलस ने कहा समाज को मैं एक अंधेरे से बाहर निकाल कर रोशनी में ले चलना चाहता। अजी फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई कि कोपर निकलस को इस तारीख को फांसी दी जाएगी। राजा ये ठीक से जानता था कोपर निकलस की कोई गलती नहीं है, ये वैज्ञानिक है, पर धर्मांध लोगों के प्रेशर में राजा को स्वीकार करना पड़ा। कोपर निकलस का एक दोस्त था, मित्र था, प्रिय, उसने कहा यार निकलस तुम छोड़ो ना, ये मूर्ख लोग हैं, तुझे फांसी दे देंगे। बोला कोई बात नहीं है, आगे आदमी मेरी इस बात की खोज करेगा, हम अंधेरे में हैं। बहुत समझाया दोस्त ने, निकलस पर कोई असर नहीं पड़ा। निकलस ने कहा बात सुनो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मैं तुम्हें मरते दिन नहीं देख सकता, मैं पहले सुसाइड कर लूँगा। उसके दोस्त ने कहा तुम्हारे मरने से पहले मैं सुसाइड कर लूँगा। निकलस ने सोचा मित्र है, बोला ठीक है मैं कह दूँगा नहीं घूम रही। मित्र के कारण से निकलस ने कहा ठीक है मैं कह दूँगा नहीं घूम रही। जब सभा लगी विद्वानों की, राजा ने सबको कहा भाई निकलस माफी मांग रहा है कि धरती नहीं घूम रही है, ठीक है मैंने गलत कह दिया। ये सभा थी, वो पूरे धर्मावलंबी, कोपर निकलस ने कहा नहीं घूम रही है धरती, धर्मावलंबियों ने व्यंग कसा, ये व्यंग क्या है,
दबे स्वर में बोल रहे हो, घबरा कर बोल रहे हो, छिप कर बोल रहे हो? व्यंग कहते हैं किसी को जैसे हूट करना है। धर्मावलंबियों ने कहा, क्यों निकलस, अभी मौत के डर के कारण तेरी पृथ्वी घूमना बंद हो गई। उसको तंज कसा, व्यंग कसा। बहन जी बड़ा अर्जेंट काम है क्या कहीं? अच्छा जाने दो, जाने, नहीं पूछना है कहाँ जा रहे हो। कहा अब तुम्हारी धरती घूमना बंद हो गई। उसने कहा ये प्योर शिमो, अपनी वहां की भाषा में कहा, ये अभी भी घूम रही है। ये प्योर शिमो अभी भी घूम रही है। उसको तो फांसी चढ़ा दिया था। एनी हाउ उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाया न्यूटन ने। इसलिए नाम न्यूटन का रोशन हुआ और कोपर निकलस दब गया, जबकि ये खोज कोपर निकलस की है। इस तरह पहले परमात्मा का संदेश वेदास ने दिया। अब वेद क्या है? वेद समुद्र के मंथन से क्या कागज निकले? क्या क्या निकले? कागज निकले? उस समय तो कागज थे नहीं, वाणी। ये वाणी कैसे निकली? जितनी अच्छी व्याख्या आदि और अंत की कबीर साहब ने दिए कोई नहीं दिया। आप सुनना, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। त्रय बालक जब भय सयाने, पठे जननी सिंधु मथाने। ब्रह्मा विष्णु महेश जब सयाने हुए, आदि शक्ति ने सिंधु मंथन के लिए भेजा। तेहंतर भयो तमाशा सो चरित्र बूझो धर्मदासा। बोला उसके बाद एक तमाशा हुआ, वो सुनना। धायो योग निरंजन राई, पवन अरम कीन बहुताई। बोला बहुत तेज पवन उठाई समुद्र मंथन के समय। त्यागो पवन रहत पुंज भई, निक्षे वेद स्वास्थ्य संत भई। स्वांस संग आयो सो वेदा, निर्लाजन कोई जाने भेदा। अस्तुत कीन वेद पुंत हवा, आज्ञा का मोहे निर्गुण। हमारे धर्म में वेद भगवान की जय भी बोलते हैं। वेद भगवान की जय नहीं सुना आपने कभी? मंदिरों में कथाओं के बाद में वेद भगवान की जय भी बोलते ना। अब एक प्रश्न उठा, वेद भगवान कैसे हुआ? बात यूनिक होनी चाहिए, तर्कयुक्त होनी चाहिए। मदन मोहन ये बहुत बड़ा पंडा था, पंडा थे नहीं? हाँ बोलो। वेद को भगवान क्यों बोला? आप देखो किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र की निंदा करो तो उस धर्म के लोग भड़क नहीं जाते हैं। कुरान की निंदा करो मुस्लिम भड़कते नहीं, बाइबल की निंदा करो तो ईसाई भी भड़कते ना, वेद की निंदा करो तो हिंदू भी भड़कते ना। वेद भगवान क्यों बोला? क्योंकि वेद के श्लोक निरंजन ने ही वायु में उठाए, ठीक है? वो श्लोक निरंजन ने ही वायु में उठाए, दिखाई नहीं दिया किसी को भी। इसलिए उसको भगवान की वाणी बोला गया। इसी तरह ग्रंथ साहब में संतों की वाणी है, इसलिए उसका अदब किया जाता है कि उन संतों की वाणी, अगर उसने आपने उसका अपमान किया तो समझो संतों का अपमान किया। इसी तरह कुरान में मुस्लिम भी ये कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद साहब खुदा से मिला, पर खुदा और हज़रत मोहम्मद साहब के बीच में कहते पर्दा था। पर्दा किस चीज़ का था? क्योंकि निरंजन निराकार है, तो वो मुसलमानों की क्या मान्यता है? वेद जो कुरान शरीफ के अंदर शब्द है वो ईश्वर की आयतें हैं, ईश्वर का दिया हुआ हुक्मनामा है। इसी तरह हम लोग कह रहे हैं वेद में आई हुई सब चीज़ें
ईश्वर का हुक्मनामा है। देखिए यहाँ भी फॉलो किया दुनिया ने नहीं, और यही बात फिर वो ईसा मसीह भी कह रहे हैं मेरा आकाशीय पिता, ईश्वरीय संदेश बोल रहे हैं उसको भी। बाइबल में जो वाणियाँ बोल रहे हैं उसको ईश्वरीय संदेश बोल रहे हैं नहीं, और लिखते भी है ईश्वरीय संदेश नंबर इतना, ईश्वरीय संदेश नंबर इतना लिख रहे हैं कि नहीं। आगे चल करके सभी धर्मों ने सेम थीम को स्वीकार किया है। स्वर्ग और नर्क का भी उल्लेख पहले वर्ल्ड को वेदों ने दिया है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, और इन वेदों का उल्लेख भी गीता में भी है, जबकि गीता द्वापर युग की है। ये होती हैं गोष्ठियाँ, ठीक है, कि गोष्ठियों में ये प्रमाण रखे जाते हैं, लड़ाई नहीं होती है उसमें, समझाया जाता है कि देखो भाई ये ऐसा है, और वाद विवाद प्रतियोगिता अलग होती है, उसमें तर्क रखे जाते हैं। इस तरह भारत को धर्म गुरु इसी दृष्टि से बोला। इसका मतलब है एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज फॉलो टू द वेदास थ्योरी, उसमें पाप पुण्य का सब लिखा है, सब चीज़ें लिखी हैं। इसलिए आईएएस का जो वेदों को पढ़ा वो आचार्य हो जाता था, क्योंकि इन्हीं वेदों के अंदर बिजनेस भी है, अथर्ववेद में धन उपार्जन के क्षेत्र वो भी है, उपासना की पद्धतियाँ भी है, पाप पुण्य का लेखा जोखा भी है, सभी देवताओं की वृत्तियाँ और उन्हें आहुत करने के तौर तरीके भी है। इसलिए साहब एक बात क्या कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, झूठा वो जो वेद न विचारा। देखो एक जगह यूं कह रहे हैं और एक जगह क्या कह रहे हैं, वेद चारों ना ही जानत सत्पुरुष कहानियाँ, वेद क्या तब मूल क्या अकत कथा बतानी। आदमी अब सकते में आ जाएगा, यानी जीवन पद्धति के लिए जो वेदों ने लिखा लाजवाब है, जो व्याख्या दी है इस भौतिक संसार की पाप क्या है पुण्य क्या है लाजवाब है, ठीक है, इसको ही सभी धर्म ने माना। पहले संसार को स्वर्ग नर्क का संदेश वेदों से मिला, अब वेदों को क्यों यूं मान रहे हैं, क्योंकि वेद ईश्वर के मुख से निकले हुए श्लोक है।